भगौड़े विजय माल्या पर भारत सरकार का शिकंजा अब धीरे धीरे कसता जा रहा है। आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी की अर्जी पर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी फेरा कानून के उल्लंघन के आरोपी विजय माल्या की बेंगलुरु स्थित संपत्ति जब्त करने के आदेश दे दिए हैं। इससे पहले बेंगलुरु पुलिस विजय माल्या की 159 संपत्तियों को चिन्हित कर चुकी थी, लेकिन कोर्ट के आदेश न होने की वजह से माल्या की इन संपत्तियों को जब्त नहीं कर पा रही थी। हालांकि अब पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के बाद ईडी के लिए इन संपत्तियों को जब्त करना और आसान हो जाएगा। बेंगलुरु पुलिस ने अप्रैल में ईडी के माध्यम से ही पटियाला हाउस कोर्ट में विजय माल्या की संपत्तियों को जब्त करने के लिए अर्जी दी थी। ईडी का कहना है कि विजय माल्या ने 1996, 1997 और 1998 में लंदन और यूरोपीय देशों में आयोजित की गई फॉर्मूला वन चैंपियनशिप में किंग फिशर का लोगो दिखाने के लिए एक ब्रिटिश फर्म को 2 लाख अमेरिकी डॉलर दिए थे। ईडी के मुताबिक माल्या ने ये रकम रिजर्व बैंक की बिना इजाजत के दे दी गई थी, जो सीधे तौर पर फेरा के नियमों के उल्लंघन के तहत आता है। इस मामले में 4 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट पहले ही विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर चुका है। उस वक्त ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट से कहा था कि माल्या की उपस्थिति के लिए उसने अब तक कोई कसर नहीं छोड़ी है। विजय माल्या के सभी दफ्तर और आवास पर नोटिस भेजा गया, यहां तक कि अखबारों में भी विज्ञापन दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो पेश नहीं हुआ। लेकिन अब विजय माल्या का बचवाना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।